everybody and welcome back to another video. मेरे को अभी GTA 5 खेलने का बहुत मन हो रहा है, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे पीसी पे GTA 5 डाउनलोडेड ही नहीं है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? ऑब्वियसली चुपचाप GTA 5 डाउनलोड करो 100 GB का, और कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। पर क्या गाइस, कभी तुमने फ्यूचर के बारे में सोचा है? फ्यूचर में ये सब चीजें बदलने वाला है, और इसके बारे में पिछले 2 दिन से सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। गाइस मेरे को साइंस फिक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। तुम लोगों ने टर्म सुना होगा क्लाउड गेमिंग। सो क्लाउड गेमिंग अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो सिंपल वर्ड से समझाता हूँ। एक जमाना था जब हम लोग मूवीज को डाउनलोड करते थे, सीडीज, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब भर के मूवी रखते थे हम लोग। ये बात आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले की है, और आज के दिन मूवीज को कोई भी डाउनलोड नहीं करता है, डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग। वैसे अगर आज के दिन हमें गेम्स खेलना है तो हमें या तो गेम्स को डाउनलोड करना पड़ता है या वो गेम का सीडी खरीदना पड़ता है। पर गाइस जैसे ही मूवीज का फ्यूचर बदला, गेमिंग का भी फ्यूचर ऐसे ही बदलने वाला है। फ्यूचर में हम लोग कोई भी गेम्स को डाउनलोड नहीं करने वाले। इमेजिन करो क्या टाइम होगा। मतलब अगर मुझे अभी GTA 5 खेलना है तो मुझे GTA 5 डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास पीसी होने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिटरली अपने फोन पे गेम खेल सकता हूँ। मतलब ना ही एकदम हाई एंड पीसी खरीदना पड़ेगा और ना ही घर जाने का वेट करना पड़ेगा गेम खेलने के लिए। सोचो मैं कहीं घूमने गया और मुझे अचानक से GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, वैलोरेंट या कोई भी गेम खेलने का बहुत मन कर रहा है। अभी आज के दिन को और आज से ऑलमोस्ट 10-20 साल के टाइम को कंपेयर करो। 10-20 साल पहले अगर अचानक से बाहर जाके मूवी या सीरीज देखना हो तो हमें घर आने का वेट करना पड़ता था। सिमिलरली आज के दिन भी अगर मुझे कोई भी उनमें से गेम खेलना है, मुझे घर आने का वेट करना पड़ेगा। पर फ्यूचर में क्लाउड गेमिंग के साथ हमें ये नहीं करना पड़ेगा। लिटरली मैं घर से बाहर कहीं घूमने गया हूँ, मुझे गेम खेलने का मन कर रहा है, फटाक से फोन निकालूंगा और गेम खेलना चालू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज के दिन इंटरनेट 5G के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और नहीं गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये थॉट बस मेरे दिमाग में घूम रहा है पिछले 2-3 दिन से और मुझे इस पे एक वीडियो बनाना है। तो अभी तुम लोगों को मैंने बता दिया क्लाउड गेमिंग होता क्या है, अभी तुम लोगों को बताता हूं क्लाउड गेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम लोग थोड़ा सा ना फ्यूचर को ट्राई करने वाले। तो एनवीडिया और एक्सबॉक्स, इन दोनों ने अपना क्लाउड गेमिंग लॉन्च किया है, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों में से एक भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो अगर तुम लोगों को पता नहीं होगा तो रिसेंटली जियो ने अपना क्लाउड गेमिंग लॉन्च किया इंडिया में। इसका नाम आई थिंक जियो गेम्स क्लाउड ऐसा कुछ तो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चल के ट्राई करते जियो का क्लाउड गेमिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये मेरा एंड्रॉइड फोन है जिसके अंदर मैंने जियो गेम्स को इंस्टॉल करके रखा है, और ये मेरा PS5 कंट्रोलर है, इसके साथ मैं इस गेम को खेलने वाला हूँ। और जैसे हम लोग इस ऐप को लॉन्च करेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस पहले कम कर लेता हूँ। जैसे ही हम लोग इस ऐप को लॉन्च करेंगे, यहाँ पे ना क्लाउड करके एक ऑप्शन आता है, तो ये क्लाउड वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ना बहुत सारे गेम्स दिखा रहा है, और ये सारे गेम्स को हम लोग यहाँ पर क्लाउड के थ्रू खेल सकते हैं। तो अभी जियो का ये जस्ट लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे ज्यादा गेम्स है नहीं, यहाँ पे सेंट्स रो है, आई थिंक सेंट्स रो 4 सबसे अच्छा वाला गेम है जो अभी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर क्लस्टर ट्रक है, और मुझे शायद से यहाँ पर एक नया गेम दिखा था, ये है अनसर्टेन, ये मैंने 1-2 दिन पहले ट्राई भी किया है, बट ये गेम मेरे को अभी पहली बार दिख रहा है यहाँ पर। और गाइस मैंने लाइट बंद कर दिया है ताकि स्क्रीन दिखे, वरना स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली कोई भी गेम को लॉन्च कर सकते हैं, और लॉन्च होने के बाद उस गेम को हम लोग हमारे कंट्रोलर से खेल सकते हैं। एक्चुअली कंट्रोलर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि गेम के ऊपर ही बटन्स आ जाते हैं PUBG की तरह, पर कंट्रोलर लगा लेंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, यहां पर चलते हैं, यहां पर चल के गेम ट्राई करते हैं जो है सेंट्स रो 4। और सेंट्स रो आई थिंक सो सबसे ज्यादा लेटेस्ट गेम है, क्योंकि यहां पे ज्यादा गेम्स है नहीं, तो सेंट्स रो 4 जो है सबसे ज्यादा लेटेस्ट गेम मेरे को लग रहा है। तो इसको प्ले करते हैं, और प्ले करते ही यहां पर आ रहा है प्रेस की और टैप, और मैंने कर दिया, यहां पे लोडिंग हो रहा है। अभी तुम लोगों को बता दूं कि मैंने जितने भी बार जियो गेम्स को फोन पे ट्राई किया है वो खास चला नहीं है मेरे लिए, तो होपफुली इस बार वीडियो पे चल जाए, प्लीज वीडियो पे बेइज्जती नहीं करवाना। ओके, लॉन्च हो रहा है, ये घूम रहा है, मतलब ये लॉन्च हो रहा है, क्या ये लॉन्च होगा? क्योंकि लिटरली ये मेरे लिए एक भी बार लॉन्च नहीं हुआ है, मैंने जितने बार भी ट्राई किया है बस ये घूमता रहता है और एंड में लिख के आता है एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पर लिखकर आ गया रेट योर गेमिंग एक्सपीरियंस, और हम इसको 1 की रेटिंग देंगे, कौन से चला ही नहीं। Tell us what went wrong. चला ही नहीं, पता नहीं क्या बोलूं, got disconnected abruptly. Okay, submitted. तो जियो गेम्स क्लाउड मेरे फोन पर तो नहीं चला, पर क्लाउड गेमिंग हम लोग सिर्फ फोन पर नहीं कर सकते, हम लोग उसको पीसी पर भी कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर इमेजिन करो, तुम्हें जो इतने खतरनाक वाले ग्राफिक्स कार्ड, 2-2, 3-3 लाख के जो गेमिंग पीसी बनते हो, बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल सा लैपटॉप खरीद लो और शायद से उसके ब्राउजर के अंदर जाके हम लोग गेम्स को खेल सकते हैं। ओके, आई थिंक सो इन लोग ब्राउजर नहीं डालेंगे, ये लोग शायद से स्टीम की तरह कुछ बना देंगे, और स्टीम के अंदर ही तुम गेम को खरीदो और उसके बाजू में ऐसा प्ले का बटन आएगा, इसको क्लिक करो और डायरेक्टली गेम चालू हो जाए।
जाएगा, जो गेम आई थिंक एक रिमोट कंप्यूटर पे चलने वाला है। ओके, तो ये जियो गेम्स क्लाउड का वेबसाइट है जहां पे बता रहा है कि हम लोग इसको स्मार्टफोन पे खेल सकते हैं, वेब ऐप पे खेल सकते हैं और सेट टॉप बॉक्स पे खेल सकते हैं। व्हाट, जियो के सेट टॉप बॉक्स पे हम लोग गेम खेल पाएंगे? व्हाट, व्हाट द हेल, क्या तुमने कभी सोचा था जियो का सेट टॉप बॉक्स अगर तुम लोगे तो तुम उस पे गेम्स खेल सकते हो? भाई फ्यूचर पागल होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो गेम खेलना चालू करने से पहले मैंने मेरा स्पीड टेस्ट किया है जो अभी 700 एमबी के आसपास दिखा रहा है, जिसका मतलब मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है और गेम्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी में चलने चाहिए। और मैंने मेरे PS5 के कंट्रोलर को PC पे लगा भी दिया है वायर से। तो अभी चलते जियो गेम्स क्लाउड के अंदर और देखते हैं कि क्या ये गेम्स अपने कंप्यूटर पे चलेगा। ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि हमारा जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पास ही तुसा करीब है। और यार देखो, हर यूट्यूबर का बचपन का सपना होता है कि उनके पास एक डायमंड प्ले बटन हो, जो सपना मेरा भी है। और एक्चुअली अपना जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली ऐसा मेरे हाथ के ऊपर इधर ही छूट रहा है। तुम लोगों क्या करने का है? नीचे ना ऐसा व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन है जो आजकल व्हाइट कलर का आता है, पहले लाल था, उसको जाके दबा देने का है। उसको अगर जाके तुम लोग दबा दोगे तो ये जो प्ले बटन है फट से मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑलराइट गाइस, तो मैं ब्राउजर पे हूँ और थोड़ी देर में तुमको बताया था कि सेंस रो 4 मेरे को लग रहा है सबसे लेटेस्ट गेम है, पर वो 2013 का गेम है। और यहाँ पर एक नया गेम है, द अनसर्टेन लाइट एट द एंड, जो 2020 का गेम है। और अगर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये पहले नेटवर्क चेक कर रहा है, फिर कनेक्टिंग टू सर्वर्स कर रहा है, और आई थिंक सो कि कनेक्ट हो जाना चाहिए। प्लीज प्लीज, ओ एक सेकेंड, कनेक्ट हो गया। वेट व्हाट, इसको मैं 1080p कर सकता हूँ और इसको मैं 16 mbps तो ऑफकोर्स कर सकता हूँ, मेरे पास 16 mbps से बहुत ही ज्यादा इंटरनेट है यार। ओ एक सेकेंड, गेम चालू हो रहा है पर मुझे साउंड नहीं आ रहा है। क्या मैंने साउंड को ब्राउजर में म्यूट कर रखा है? शिट यार, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, कभी कभी ना एज अ यूट्यूबर मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं वहां से वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं ज्यादा दिन के लिए बाहर घूमने नहीं जा सकता हूँ। ये चीज आने के बाद हम लोग लिटरली बाहर घूम सकते हैं और जहां से मन करे बस कैमरा लगाओ, माइक लगाओ, फोन पे गेम खेलो और उसको अपलोड कर दो। ऑलराइट गाइस, तो गेम चालू हो गया। क्या मेरा कंट्रोलर चल रहा है? मेरा कंट्रोलर नहीं चल रहा है, नीचे कुछ कंट्रोलर के आइकन्स आ रहे हैं तो यस, कंट्रोलर चल रहा है। और इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास साउंड क्यों नहीं आ रहा है इसका? अबे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा क्विक है बे। मतलब मैं लिटरली बस इसको ऐसे नीचे कर रहा हूँ, ये फटाक से मूव हो रहा है। मतलब कोई लेटेंसी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि गेम को मैं लिटरली मेरे PC पे डाउनलोड करके खेल रहा हूँ। और ये गेम तो मैंने खरीदा भी नहीं है। रुको जरा, साउंड का देखने दो, साउंड का तकलीफ क्या है। ओ आई थिंक मैंने डिवाइस के साउंड को ही कम कर दिया पूरा। मेरा हेडफोन खराब तो नहीं हो गया? ओ नहीं, एक सेकेंड, शायद से मेरा साउंड का डिवाइस बदल गया। ओ यस, वही हुआ है। क्या साउंड आएगा अगर मैं ब्राउजर पे YouTube खोलता हूँ और YouTube खोल के मैं एक वीडियो देखता हूँ तो वीडियो का साउंड आ रहा है, बस गेम का साउंड नहीं आ रहा है। ये क्या नया प्रॉब्लम हो गया अभी? ओके, आई थिंक सो हमें शायद से गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा साउंड के लिए। ओके, हमने गेम को बंद कर लिया और अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअली इस बार। तो अभी अगर हम लोग गेम को फिर से रन करते हैं, होपफुली इस बार साउंड आ जाए। प्लीज साउंड आ जा। 20 minutes later. तो गाइस, पिछले आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका साउंड का प्रॉब्लम क्या है। मुझे लग रहा था कि जो साउंड है वो कंट्रोलर के थ्रू आ रहा है और मैंने कंट्रोलर पे वायर लगा के ट्राई भी कर लिया, साउंड इसके थ्रू भी नहीं आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो कि हमें ये गेम खेलना पड़ेगा बिना साउंड के, पर कोई बात नहीं, गेम चल रहा है, बिना साउंड खेलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये रहा गेम। और अगर हम लोग गेम के ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स का जो रेजोल्यूशन है वो 720 पे सेट है और यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्शंस को लो पे रखा है, डेप्थ ऑफ फील्ड हाई है और ग्राफिक्स क्वालिटी भी हाई पे, विजुअल इफेक्ट्स ऑन है, वॉल्यूमेट्रिक फॉग्स ऑन है। तो आई थिंक सो हम लोग गेम को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सेटिंग्स पे खेल रहे हैं, बस थोड़ा सा रेजोल्यूशन गंदा है और हम लोग इसको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, सीधा चलते न्यू गेम लॉन्च करते हैं, प्रोफाइल 1। और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा स्मूथ है यार, मेरे को ऐसा पिंग फील ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम लोग इमेजिन करो, ये जो गेम है ये गेम एक रिमोट सिस्टम पे चल रहा है, कोई तो जियो के सर्वर पे कहीं चल रहा है, जो मेरे घर पे नहीं है, मेरे PC पे नहीं चल रहा है, मेरे PS5 पे नहीं चल रहा है, और इस चीज को मैं इंटरनेट के थ्रू खेल पा रहा हूँ और मुझे लिटरली कोई भी ज्यादा पिंग का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। जिन लोग को पिंग का मतलब नहीं पता बता दूं, पिंग वही होता है जब तुम लोग ऐसा बटन प्रेस करोगे, बटन प्रेस करने के एक सेकंड बाद बंदा जंप करता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। पर हमने इसको अभी तक गेम प्ले पर ट्राई नहीं किया है तो गेम प्ले चालू होने का वेट करते हैं। यहाँ पे कथा बता रहा है, इसको स्किप कैसे करूं मैं? अबे यार, बिना साउंड खेलने का मजा ही नहीं आ रहा है। ओके, अबे ये गेम क्या लग रहा है? मेरे को लगा था ये गेम का ग्राफिक्स ऑफिक्स थोड़ा सा अच्छा होगा, पर ये गेम देख के मेरे को 2004-05 का कोई गेम लग रहा है। अब मुझे पता नहीं गेम का ग्राफिक्स ही ऐसा है कि ये गेम यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पर मैं अभी वेट कर रहा हूँ गेम प्ले के स्टार्ट होने का।
ये रहा, ओह सो गेम प्ले चालू हो गया है और यहाँ पे एक सेकेंड, ये अपने आप की चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप घूम रही है, मैंने कंट्रोलर पे कुछ नहीं किया है। ओके इनपुट लैग तो कुछ है नहीं यार, मतलब ओके ये अनप्लेएबल है। मैं इसको बंद कैसे करूं? अगर मैं इसको आगे पॉइंट कर दूं तो वो आगे मूव करती है और कैमरा टॉप डाउन पे चिपका हुआ है। ओके अब मेरा सर घूम रहा है, ओके अब लिटरली मेरा सर घूम रहा है। ओके तो अगर मैं इसको माउस से ऐसा घुमाऊं तो मैं इसको एटलीस्ट सीधा ला सकता हूं, पर ये फिर भी गोल गोल कंटिन्यूस घूमे जा रहा है। क्यों घूम रहा है ये गोल गोल? क्या हमें यहाँ से कंट्रोलर्स को डिसेबल करना है? ये पता नहीं क्यों हो रहा है, बट ये गेम लिटरली अनप्लेएबल है गाइस, इसको हम लोग नहीं खेल सकते। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कोई दूसरा गेम ट्राई करते हैं। ओके सो जियो पे एक छोटा सा गेम है, इसका नाम है क्लस्टर ट्रक, और इस गेम का मैं एक्चुअली रिव्यू दे सकता हूँ बिकॉज ये गेम मैंने खेला है। तो इस गेम को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये गेम कैसे क्वालिटी में रन होता है। ओ इसका साउंड आ रहा है। ओके थोड़ा सा वीडियो ब्लरी सा है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में तकलीफ है और हम लोग वीडियो सेटिंग्स में नहीं जा सकते, हम लोग इनफैक्ट कोई भी सेटिंग्स में नहीं आ सकते। और ये बैक भी नहीं हो रहा है अभी से, कहाँ फंस गया मैं? ये बैक भी नहीं हो रहा है। ओके गाइस इजी टू से, जो चीज मैं सोच रहा हूँ क्लाउड गेमिंग के साथ उसको बहुत ज्यादा टाइम है। ओके तो मैंने अभी गेम को रिस्टार्ट कर लिया और इस बार तो मेरा कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी करूँ कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा है। ओ भाई तो अभी मैंने इजीली 15-20 मिनट स्पेंड कर लिया और गेम को मैंने शायद 3-4 बार रीस्टार्ट किया, पर हर बार गेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, जिसका मतलब जियो गेम्स क्लाउड अभी तक मेरे सिस्टम में उतना सही से नहीं चल रहा है। पर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे उन लोग के फोन में ये जो ऐप है वो बहुत मस्त चल रहा है। तो गाइस जियो गेम क्लाउड के अलावा ऐसे और दो सर्विसेज है जो की है एनवीडिया प्ले और एक्सबॉक्स नाउ, आई थिंक सो मैं नाम सही ले रहा हूँ, जो की दोनों के दोनों इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर इनको हम लोग चला सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा लफड़ा और VPN यूज करना पड़ेगा, तो मैं उसको आज के वीडियो में नहीं कर रहा हूं। पर अगर तुम लोग चाहते हो, किसको लात मार दिया मैंने, डब्बे को लात मारा, गोटिया कहीं भी कुछ फेंक के चले जाता है। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं NVIDIA का क्लाउड गेमिंग ट्राई करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके तो अभी आते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा वीडियो के स्टार्टिंग में GTA 5 खेलने का बहुत मन था और मैंने अभी तक GTA 5 नहीं खेला है, और ये जियो क्लाउड में तो GTA 5 अवेलेबल ही नहीं है, सो अपने को कुछ और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। 2 hours later ऑलराइट गाइस, तो बहुत देर तक रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली जाकर एक ऐसा ऐप मिला है जिस ऐप में शायद से, अभी तक कंफर्म नहीं है, मतलब शायद से हम लोग सारे PC गेम्स को अपने फोन पर खेल सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सेटअप लगाया, ये मेरा फोन है जो कनेक्टेड है Elgato से, और ये मेरा PS5 का रिमोट जो फोन से कनेक्टेड है। ऑलराइट गाइस तो ऐप को लॉन्च करते ही ये ऐप मेरे को बहुत सारे खतरनाक से गेम दिखा रहा है। एक सेकेंड, इस ऐप में FIFA है, Spider-Man है, Elden Ring है, वेट अ सेकेंड, इस पे Spider-Man का नया वाला Miles Morales है जो आई थिंक सो सिर्फ PS5 पे अवेलेबल है, और यहाँ पे Far Cry है, Naruto Shippuden, Guardians of the Galaxy, Cyberpunk, Sekiro, FIFA 19, FIFA 22. एक सेकंड, क्या हम लोग सारे गेम्स खेल सकते हैं? रुको, GTA 5 खेलने से पहले मेरे को FIFA 22 चला के एक बार ट्राई करना है। तो ये हमने FIFA 22 पे क्लिक कर लिया और ये हमने प्ले पे क्लिक कर लिया और अभी गेम लोड हो रहा है। अगर ये चीज काम करता है गाइस तो गेम लोड हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पर ये जो ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स आ रहा है, हम लोग इस ऑन स्क्रीन कंट्रोल से भी खेल सकते हैं और हम लोग इस रिमोट से भी खेल सकते हैं। तो मोस्टली रिमोट से खेलेंगे, बट देन ट्राई करने के लिए हम लोग ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स को ट्राई करेंगे। तो FIFA 22 लोड हो रहा थोड़ा सा लैग ही चल रहा है गाइस, मेरे को यहाँ पे 100 का पिंग दिखा रहा है, 103 का पिंग दिखा रहा है, जो थोड़ा सा ज्यादा पिंग है गेम खेलने के लिए, पर देन ये गेम एक्चुअली चल रहा है। मुझे पता नहीं यहाँ पे ऐसा बॉक्स क्यों आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे लिटरली फुल स्क्रीन में गेम आ रहा है। ओके मैंने इसका लैंग्वेज तो इंग्लिश सेट किया था, ये रहा इंग्लिश, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं चल रहा है। ओके ये गेम में थोड़ा सा लैग है, बट देन गाइस लिटरली अपना FIFA 22 मेरे फोन पे चल रहा है, ये देखो लिटरली फोन पे ये गेम चल रहा है, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लैंग्वेज कैसे बदलते रहे, स्टार्टिंग में लैंग्वेज चूज तो किया था मैंने इंग्लिश, पैरामीटर्स एन लिखने, आई थिंक यही होता है लैंग्वेज का सेटिंग्स। अइला
ये लैंग्वेज सेटिंग नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो गेम को हम लोगों ने इंग्लिश में लॉन्च कर लिया है। अभी फाइनली हम लोग खेल सकते हैं। यहाँ पर है किक ऑफ। ओके, किक ऑफ में जाके होम साइड में जाना है। प्लीज सिलेक्ट अ नेम। ओके, अपने को नाम सिलेक्ट करना है, तो हम लोग नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अरे कुछ भी कर लेंगे जल्दी जल्दी। ओके रेडी, मेरे को कोई भी टीम चलेगा, मेरे को बस खेल के देखना है। मुझे लिटरली कोई भी टीम चलेगा, अभी बस चालू कर, मैच चालू कर। और इसमें सही चीज है, यहाँ पे डायरेक्टली एक बटन दिया हुआ है जिसको प्रेस करते मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, जिससे अपना जो पूरा सुपर का जो भी डिस्प्ले आ रहा है उसको फटाक से अपन हाइड कर सकते हैं, और जैसे ही अपने को चाहिए वापस चालू कर सकते हैं। अबे ट्रेनिंग क्यों चालू हो रहा है, क्या प्रेस करना है मैच खेलने के लिए? ओ थोड़ा सा लैग है गाइस, थोड़ा हल्का सा लैग है, और इसका क्वालिटी उतना खास नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वालिटी सेटिंग्स में जाऊँ तो ये गेम मैं खेल रहा हूँ 360p पे। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे VIP और ये सब क्या लिखा हुआ है, तो उसको अपन अभी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए हमें कॉइंस लगता है और मुझे सारे कॉइंस अभी बर्बाद नहीं कर दे। तो ये मैच चालू हो गया। मैं कौन सा वाला हूँ? अरे मैं खेल ही नहीं रहा हूँ क्या? ओ ये वाला मैं हूँ, ये देखो ये भाग रहा है गोल गोल रेफरी के पास, ये मैं हूँ। ओ यस, मुझे पता नहीं बीच में लाइन क्यों आ रहा है वो वाला, पर मैं कौन सा वाला हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेट, ये मैं हूँ, बॉल मेरे पास है गाइस। ये अरे यार मैंने ये वाला किक क्यों मार दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला हूँ। गोल नहीं गया, गोल नहीं गया, गोल। मेरे को एक्चुअली पता है फीफा खेलना नहीं आता है, मैंने फीफा बहुत टाइम से नहीं खेला है। एक टाइम था बहुत फीफा खेलता था, अब मैंने बहुत टाइम से फीफा नहीं खेला है। ओके ये वाला मैं हूँ। थोड़ा सा इनपुट लैग है गाइस, हल्का सा इनपुट लैग है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे 100 के ऊपर का पिंग आ रहा है, तो थोड़ा हल्का सा इनपुट लैग तो होगा ही। मैं लिटिल रैंडमली बटन दबा रहा हूँ कि किसी बड़ा से कुछ तो हो जाए। सबसे वैसे मार्कर क्यों नहीं आता है? ओके ओके ओके, अरे यार बॉल ढाप लिया मेरे से, अभी बॉल ढापूंगा, रुको इससे। ये देखो बॉल ले लिया, अब देखो कैसे गोल मारता हूं मैं, रुको। ये देखो भाग भाग भाग, मार गोल, गोल ले गया। अरे यार क्या हका यार, शिट रे, इतना नजदीक था गोल के। बट अटेम्प्ट अच्छा था गाइस, अच्छा अपन ने अच्छा अटेम्प्ट किया गोल मारने का। इट वाज अ गुड अटेम्प्ट गाइस, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। ओ, एक और चांस, अरे हक दिया, थोड़ा सा इनपुट डिले, नहीं मार। अरे यार उसके हाथ से बॉल लेके फेंकने का था यार गोल के अंदर। ओ अरे किधर दे रहा है, यस चल 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 चल, गोल जाएगा गोल जाएगा गोल जाएगा, पेनल्टी किक चाहिए मेरे को, धक्का मारा उसने। अरे यार मेरे फील्डर लोग ना थोड़े नुबड़े से भागते नहीं तेज। मिला ए, मेरा बॉल। अरे किस क्यों फाउल दिया, वो धक्का मार के चला गया, उसको फाउल है, मेरे को फाउल दे रहा है, वाह ये ले। ओके तो हल्का सा लैग है, तो मैं जो भी बटन प्रेस कर रहा हूँ वो 2 सेकंड बाद हो रहा है। ये फास्ट किसे भागता है, ये गिरा मेरे को। Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Hey. गोल मारेगा। ओके गाइस, मैं फीफा में बहुत गंदा हूँ, पर देन एक चीज प्रूव हो गया कि ये चीज काम करता है, और हमने एक्चुअली फीफा 22 जो एक पीसी का गेम है, कंसोल का गेम है, जिसके लिए एकदम खतरनाक सा पीसी लगता है, हमने उसको जस्ट हमारे फोन पर खेला है। और यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स है। अब गाइस मुझे पता है कि हमारा जो एंड गोल है वो है GTA 5 मोबाइल पे खेलना, पर यहाँ पर स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस भी है, और मेरे को ये वाला गेम ट्राई करना है। ये वाला गेम एक मोबाइल पे कैसे चलेगा? जहां तक मुझे पता है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस अभी तक पीसी के लिए भी नहीं आया हुआ है, वो गेम सिर्फ और सिर्फ PS5 पे चलता है, आई थिंक PS4 और PS5 दोनों पे चलता है। ओके गेम लोड हो रहा है, सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट। वेट व्हाट गाइस, अगर ये गेम फोन पे चल गया मुझे पता भी नहीं मैं क्या करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा मैं देख के। इस गेम के लिए लोग ने PS5 खरीदा था।
माइल्स मोरालेस खेलने के लोगों ने PS5 खरीदा था और ये फोन पे चल रहा है। और कुछ डाउनलोड भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट गेम चालू। ये गेम जब मैंने खरीदा था मेरे PS5 के लिए, मुझे डाउनलोड करना पड़ा, मुझे लिटरली 6-7 घंटे रुकना पड़ा, और यहाँ पर ये डायरेक्ट अपफ्रंट लॉन्च हो रहा है। व्हाट भाई, ये कौन सा गेमिंग का फ्यूचर है यार। ओके, ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रहा है? यहाँ पे माइल्स मोरालेस ट्रेन के सामने होता है। ओ ये रहा। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं रात भर सोया नहीं हूं, दोपहर के 12 बज रहे और मुझे नींद भी नहीं आ रहा है अभी। ये मैंने आज क्या देख लिया, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस फोन पे। क्या हम लोग स्किप कर सकते इसको? स्टार्ट में जाके ओके, यहां पे स्किप का ऑप्शन तो नहीं है, पर अब मेरा कंट्रोलर भी काम नहीं कर। ओ वेट, ओ मेरा कंट्रोलर काम किया। मतलब अगर मैं सिर्फ ये PS5 का कंट्रोलर खरीद लूं तो मैं माइल्स मोरालेस फोन पर खेल सकता हूं। ओके, तुम लोग जो मेरा सेटअप देख रहे हो, पीसी लगा हुआ है। ये पीसी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, मेरे को सिर्फ ये फोन चाहिए और ये कंट्रोलर चाहिए अगर मुझे अच्छे से खेलना है। पर अगर मेरे पास कंट्रोलर ना भी हो, मैं स्टिल इस गेम को खेल सकता हूं फोन के ऊपर ये बटन से। मेरे को जानना है, गोटा स्क्रीन दिखा, क्या माइल्स मोरालेस पीसी पे आया हुआ है? मेरे को जानना है ये चीज। ओ अच्छा, माइल्स मोरालेस पीसी पे आ गया, सॉरी माय बैड, पीसी पे आ चुका है माइल्स मोरालेस। बट देन इसका अगर हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो ये लिटरली 16 GB का रैम, GTX 1060 मांग रहा है, 6 GB और 75 GB का स्टोरेज मांग रहा है। तुम्हें पता है स्टोरेज कितना मुश्किल है मैनेज करना? 75 GB मांग रहा है और यहाँ पर लिटरली हम लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, गेम जस्ट चालू है यहाँ पर। और ये कट सीन हम लोग शायद से स्किप नहीं कर सकते, तो इस कट सीन के बाद गेम चालू होगा। ओ भाई गोटिया, क्या तू बिलीव कर पा रहा है ये क्या हो रहा है लिटरली? ओ शिट, ओ शिट, ओ होल्ड R1 टू स्विंग। प्रेस तो किया, होल्ड भी किया। ओके, आई थिंक कंट्रोलर काम नहीं कर रहा। ओके गाइस, पॉपआउट हो गया, कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, अपने को इससे खेलना पड़ेगा। होल्ड R1, R1 कौन सा है? ओ हो हो, भाई लोग सोचेंगे पागल हो गया हूं मैं, लोग लेजिट सोचेंगे पागल हो गया हूं मैं। What the hell? As long as the octopus related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Soon. Should let mom know I'll be late. Bada bada bada. Hey mom. Oh, control band ho gaya. Guys, मैं आज से 10 साल बाद जो बच्चे होंगे मैं उनसे इतना जेलस हूं ना, सालों के बस क्या टेक्नोलॉजी होगा यार। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करते थे 4-4 दिन तक एक गेम, 4-4 दिन तक हमने एक गेम डाउनलोड किया है खेलने के लिए, वो भी ऐसे भी नहीं बड़े बड़े गेम, वो गेम होते थे भाई छोटे मोटे से, 3-4 GB का गेम डाउनलोड करते थे 2 दिन बैठ के। और यहाँ पे लिटरली स्पाइडरमैन में मेरे फोन पे खेल पा रहा हूँ। Oh shit! Woohoo! थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल है, but then used हो जाएंगे। Oh ho! यहां पे ऊपर कुछ तो हो रहा है,
और ये बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर तुम देखोगे स्क्रीन पे तो शायद से यहाँ पर क्वालिटी उतना मस्त नहीं लग रहा है, पर देन तुम ये फोन पर देखो, ये फोन पर क्या क्वालिटी, गोटिया ज़ूम कर इस पे, गोटिया ज़ूम कर इस पे, क्या क्वालिटी आ रहा है, मतलब ये एक्चुअली बहुत अच्छा दिख रहा है। दिस इज अ बिग ऑपरेशन, इट्स गॉट टू बी। Hundreds of felons escaped from the raft last Shit! Now, क्या हो रहा है ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हम लोग? बेटा, अभी तक 2022 चल रहा है ना? जैसे 2032 अगर कुछ ऐसा झटके में नहीं आ गया ना ऐसा? कि अचानक से 2032 आ गया, मैं टेलीपोर्ट हो गया, मैं एक दिन सोने गया, उठा 10 साल बीत गया, ऐसा नहीं है ना? गाइस, क्या ये 2022 चल रहा है? मेरे को नहीं लग रहा है गाइस। अरे कितने आसानी से चला रहे लगन को। Guys, तो जिस गेम का हम सभी को वेट था उसका टाइम अभी आ चुका है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे GTA 5 खेलना है, मेरा GTA 5 खेलने का बहुत मन है। अभी ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि मेरे पीसी में एक्चुअली GTA 5 इंस्टॉल नहीं है और मैं अभी खेलने वाला हूँ GTA 5 अपने फोन पे, पीसी पे नहीं, फोन पे। तो चालू करते GTA 5 को और ये प्ले गेम, और चालू हो गया है लोडिंग गेम। तो क्या GTA 5 चालू होगा? बोटिया, क्या GTA 5 चालू होगा? हाँ या ना तो बोल। होगा, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है FIFA 22 चल गया, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, बोटिया ये देख रॉकस्टार का रॉकस्टार नॉर्थ, आई थिंक उसका नाम चेंज कर दिया अभी। नो वे, मैं GTA 5 फोन पे खेलने वाला हूँ और ये लोड भी हो गया इतनी जल्दी, और हम लोग कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो अगर मैं कंट्रोलर को यूज करके चालू करता हूँ तो क्या चालू होगा? ओह, चालू हो रहा है लोडिंग स्टोरी मोड। मतलब GTA 5 है ना ऐसा गेम है, इसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है, पर यहाँ पर बहुत जल्दी से लोड हो गया। अभी देखते हैं कि इसका एक्चुअल स्टोरी मोड लोड होने में कितना टाइम लेता है। ओके, स्टिल लोडिंग, बट द फैक्ट GTA 5 फोन पर चल रहा है गाइस, द फैक्ट। अगर तुम लोग को पता नहीं है, मैं उस जनरेशन से हूँ जिस जनरेशन में GTA 5 हमारे लिए बेंचमार्क था। GTA 5 जब लॉन्च हो रहा था, GTA 5 गेम्स का बेंचमार्क था, लोग पीसी डिसाइड करते थे। ओहो, ऑल राइट गाइस, गेम चालू हो गया। भाई क्वालिटी देखो इसका। ओके, क्वालिटी उतना हाई रेस नहीं है, बट दैट स्टिल कितना मस्त दिख रहा है, और पूरा GTA 5 फोन पर खेल सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक कंट्रोल था जिससे क्वालिटी सेटिंग हम लोग 1080p कर सकते थे। तो अगर हम लोग इसको 1080p करें और वाइब्रेशन भी ऑन कर ले तो क्या होगा? अभी व्हाट द हेल, क्वालिटी एक्चुअली बढ़ गया। ओके, थोड़ा सा इसका सेंसिटिविटी गलत है गाइस, एक्चुअली पता है अभी हर मूवमेंट पे गेम वाइब्रेट कर रहा है। ओके, थोड़ा सा पिंग बढ़ गया, आई थिंक अपने को वाइब्रेशन नहीं रखना चाहिए। आई डोंट नो पिंग बढ़ा वाइब्रेशन की वजह से या नहीं, बट कम हो गया। व्हाट, कैन यू बिलीव इट गाइस, मैं GTA 5 फोन पर खेल रहा हूं, ये गेम बेंचमार्क हुआ करता था हमारे लिए। डेटोनेट भाई, ये गेम एक जमाने में पीसी का बेंचमार्क था कि तेरे पीसी में GTA 5 चलता है कि नहीं चलता है। अगर तेरे पीसी में GTA 5 चलता है तो तेरा पीसी बहुत खतरनाक है, अगर नहीं चलता तेरा पीसी गू है। और आई कांट बिलीव आज मैं एक्चुअली GTA 5 फोन पर खेल रहा हूँ। ओके, नॉट दैट कि ये फोन पे रन हो रहा है, बट देन यही है फ्यूचर, फ्यूचर में गेमिंग में यही होने वाला है। ओके, अभी हम लोग वॉल्ट के पास आ गए, वॉल्ट के अंदर जाके हमें कैश चुराना है। ओ भाई, और बेस्ट पार्ट है, हम लोग कंट्रोल को लिटरली हाइड और शो कर सकते हैं एक बटन से यहाँ पर, जिससे अगर मुझे कंट्रोल्स नहीं देखना है, मुझे कटसीन एंजॉय करना है, फट से उसको हाइड कर सकता हूँ। ओ, ये येड़ा पुलिस वाला आया,
अबे एक्चुअली क्वालिटी अच्छा आ रहा है अभी ना, 1080p क्वालिटी अच्छा आ रहा है क्या? पहले 1080p नहीं था, अभी 1080p आ रहा है। ओके हमने स्विच कर लिया, अब इसको टकले में गोली मारने का है। हल्का सा इधर थोड़ा सा लेटेंसी का इशू है तो ये थोड़ा सा एमिंग में तकलीफ होएगा, बट टकले मार दिया गोली अपन, नाइस। थोड़ा सा लेटेंसी का हल्का सा इशू है, बट देन नॉट बैड यार। अगर मुझे GTA 5 एंजॉय करना, मैं ऐसे एंजॉय कर सकता हूँ स्टोरी गेम्स को। ओके आई थिंक सो, इस गेम के ना सेटिंग्स में एक ऑटो लॉक एम का ऑप्शन होता है, तो अगर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो सेटिंग्स के अंदर कहीं तो होता है एक ऑटो लॉक का ऑप्शन। वो ये रहा, टारगेटिंग मोड, लॉक ऑन टारगेट। यस हमें लॉक ऑन टारगेट चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको रिमोट सर्वर से खेल रहे हैं तो यहाँ पर पिंग इशू है, और इस पिंग इशू में हमारा जो कंट्रोल से उतना एक्यूरेट नहीं है, तो हमें एम लॉकिंग की जरूरत है। तो ये रहा, हमने बंद कर लिया, बैक इनटू द गेम। अभी अगर अपने को आई थिंक अपने को कवर लेने का है, इधर आके कवर लेने के। हाँ रुक जा, ले रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल थोड़ा अभी तक हल्का है अपना। कवर कैसे लेते हैं, कवर कैसे लेते हैं? ओ ये रहा, कवर ले लिया। और ये गेम कहीं पे लैग भी नहीं कर रहा है, लिटरली स्मूथ चल रहा है पूरा गेम। ओके अभी अपने को बहुत ज्यादा गोलियां चलानी है। ओके कवर लेके मारेंगे। कहा है? अगर ये पीसी पे होता ना, अभी 15 गोलियां मार लिया होता इन लोगों को। बदन ठीक है, मतलब अगर मुझे GTA 5 एक्सपीरियंस करना है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ओके मार बोली। ओके चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, अरे निकल। ओके थोड़ा सा फोन का जो ये स्क्रीन कंट्रोल से थोड़ा सा मुश्किल है कंट्रोल करना, बट देन आई थिंक सो धीरे धीरे ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा खेलने के लिए। ओके शिट, मरना नहीं मेरे को। ओ शिट, ओ नहीं। ओके अपने को कैरेक्टर स्विच करना है, स्विच कैसे करते हैं? नीचे प्रेस करना है, फिर ऐसे ले आना और छोड़ देना है। ओ यस, नाइस गाइस, मैं कीबोर्ड माउस का प्लेयर हूं। अरे कहां एम कर रहा है माइकल नुबड़े। ओके थोड़ा सा कंट्रोल का इशू है, हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा। अरे कहां कहां है बंदे, माइकल मर गया। गाइस माइकल मर गया। बट डू यू नो गाइस व्हाट, हमने फोन पे GTA 5 खेल लिया। मेरा GTA 5 खेलने का बहुत मन था और हमने लिटरली GTA 5 बिना डाउनलोड किए खेला है। हम लोगों ने GTA 5 बिना डाउनलोड किए खेल लिया। That's a big achievement guys, that's a big achievement. Oh भाई क्या मजा आ गया आज। Of course कंट्रोल थोड़े से ऊपर नीचे, मैं थोड़ा सा नूबड़ा हूँ, पर then guys It works. ये ना अब मैं रोज खेलने वाला हूँ। The next day. Guys, मैं कल रात तक जब मैं सोने आता था, मैं सोते सोते फोन पे ना छोटे छोटे टाइम पास वाले गेम खेलता था। कल तक मैं इतना बोर हो गया था कि मैंने बीच में एक्चुअली कैंडी क्रश डाउनलोड कर लिया खेलने के लिए। और आज देखो, आज मैं सोते सोते Far Cry 5 खेल रहा हूँ। बोटिया Far Cry 5 दिखाओ, Far Cry 5 दिखाओ। मैं आज सोते सोते Far Cry 5 खेल रहा हूँ। भाई क्या जमाना आ गया यार, क्या जमाना आ गया भाई। मैं Far Cry 5 खेलते खेलते सो रहा हूँ अपने फोन पे आराम से, मस्त बिस्तर पे लेटे सोते सोते Far Cry 5 खेल रहा हूँ। और आई थिंक ये गेम प्ले चालू हो गया। ओ यस हमें मूव कर सकते हैं। वो अरे कहाँ जा रहा है, इधर चल।
पिंग कितना है? ओ भाई 250 की पिंग आ रही है, कभी लैग हो रहा है। बट एनीवे गाइस, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मैं रात भर नहीं सोया हूँ इसलिए मैं अभी सोने जा रहा हूँ और मैं सोते होते गेम खेलने वाला हूँ। बट देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप सो आप सभी को आज का वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।